मैं दूर। तो चलिए गाइस अभी टेस्ट करके देखते हैं कि मैंने आज ये फिश बॉयल विद बैम्बू शूट जो किस्सा बनाया है। चलिए तो गाइस अभी हम टेस्ट करने वाले हैं। इसके बाद ये बैम्बू शूट को भी हमें डालेगा से इसको अभी हम थोड़ा काट के मिक्स करेंगे कि ये बॉयल बैम्बू शूट बॉयल में ये डालने से बहुत टेस्टी होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे जाके और भी आप सबके साथ हम अच्छे अच्छे वीडियो आप सबके साथ हम ला सके। तो गाइस आज मैं खाने वाला हूँ ये फिश बॉयल करी विद बैम्बू शूट के साथ, जो कि मैंने बनाया है उसको आज हम मैं खाने वाला है। और ये है आलू का पराठा जो कि मेरी दीदी ने बनाया है, और ये है भिंडी, ये लेडीज फिंगर है, और ये है लोकल वाला गार्लिक, और ये है प्याज, और ये है किंग चिल्ली, और ये है आलू का चटनी, और ये है राइस। तो गाइस आज मैंने ये फिश बॉयल को मैंने बैम्बू शूट के साथ बनाया है, तो इसको हम अभी टेस्ट करेगा। लेकिन टेस्ट करने से पहले आप सबको मैंने ये फिश बॉयल जो कैसे बनाया है उसका वीडियो भी आप सबके साथ हम अभी दिखाएगा। उसका बाद हम ये सबको टेस्ट करके आप सबको बताएगा कि आज मैंने ये बॉयल जो कैसा बनाया है। तो चलिए गाइस चलते हैं वीडियो की ओर। आज मैं बनाने वाला है फिश बॉयल विथ बैम्बू शूट के साथ। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले अभी हम यहाँ में फिश को डालेगा कढ़ाई में। उसके बाद यहाँ में मैंने किंग चिल्ली और लहसुन को ऑलरेडी पीस करके रखा था, उसको भी यहाँ में मिक्स करेगा। अभी थोड़ा सा नमक या मैं सब कुछ मिक्स कर लेगा अच्छा से। उसके बाद ये बैम्बू शूट को भी यहाँ में डाल लेगा। अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ में फिश और बैम्बू शूट को नमक मिर्ची के साथ अच्छा से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको गैस पे लेके जाएगा। अभी ये मिक्स करने वाला फिश को अभी हम गैस में डाल लेगा। अभी इसको थोड़ा देर इसको नहीं देगा, थोड़ा देर के लिए इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। अभी तो गैस अभी देखते हैं मेरा फिश बॉयल जो क्या हो रहा है अंदर में। देखो गाइस ना अच्छा से उबल रहा है। इसका गंज बहुत टेस्टी से लग रहा है। अभी तो थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा पानी, नहीं तो ये नहीं पकेगा अच्छे से। थोड़ा सा पानी देगा इसमें। इसको फिर से ढक्कन बंद कर देता है। अभी चेक करते हैं मेरा बॉयल जो क्या हो रहा है अंदर में, गर्म है। देखो गाइस इतना मजा से उभर रहा है। गंजो मक्खी बोलो, देखिए खाने में लग रहा है। और यहाँ में अभी हम ये लोकल मसाला जो मिक्स करेगा, ये मसाला जो हम अब सबको तेल में भी दिखाया था पहले वीडियो में, देखिए ये इसको अभी हम काट के मिक्स करेंगे। ये बॉयल बैम्बू शूट बॉयल मेरे डालने से बहुत टेस्टी होता है। अभी
भी इसको फिर से इसका ढक्कन जो बंद कर देता है पकने के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं अभी मेरा बोल जो क्या हो रहा है। देखो गाइस ये फाइनली पक गया है मेरा फिश बॉय, इतना सुंदर से पक गया। देखो गाइस अभी ये पक गया तो इसका गैस जो अभी हम बंद कर देते हैं। चलिए गाइस टेस्ट करते हैं आज का मेरा फिश बॉय विद बैम्बू शूट का सुजो कैसे बनाए। तो उसे प्याम में रख देते हैं और सबसे पहले खाने से पहले हम अभी ग्लास में ये पानी को डाल लेते हैं, क्योंकि तो खाने से पहले हमेशा ग्लास में पानी डाल लेना चाहिए। तो अभी हम खाना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ में जो मेरा बॉईल का बैम्बू शूट जो यह डालेगा। ये है फिश बिंदू। चले गाइस अभी टेस्ट करके देखते हैं कि मैंने आज ये फिश बॉयल विद बैम्बू शूट जो कैसा बनाया है। तो चलिए तो गाइस अभी हम टेस्ट करने वाले हैं। बढ़िया बना रहा है आलू का चटनी। लोकल वाला गार्लिक गाइस थोड़ा स्पाइसी लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ में किंग मिर्ची डाला है तो स्पाइसी लग रहा है। तो आप सब घर में अगर आप बॉयल खाना चाहते हैं तो प्लीज ऐसे बॉयल बनाएगा, क्योंकि ऐसे बनाने से बहुत टेस्टी होते हैं, क्योंकि बैम्बू शूट जो है बॉयल का स्वाद ही बढ़ा सकता है। लोकल वाला किंग किंग चल रहा है, इतना स्पाइसी है मत लो गाइस। अगर आप
बाजार का वाला और ये लोकल वाला को अगर आप कंपेयर करेगा तो ये लोकल वाला का कोई नहीं जीतेगा। ये लोकल वाला चिंग चिली जो है बहुत ही स्पाइसी है। बहुत स्पाइसी है गाइस, मतलब पानी का तो हम खाने लगेगा। गाइस आप लोग सोच रहा होगा कि मैंने ये पराठा को तो सामने में रखा है लेकिन उसका अभी तक हम टेस्ट नहीं किया। ओके अभी उसको भी टेस्ट करेगा जो कि मेरा दीदी ने बनाया आज इसको। यानी हम ये आलू को चटनी देगा तब बाद ये प्याज को फिर इसको टेस्ट करके देखता है मेरी दीदी ने पाला था कैसे बनाया। बहुत बढ़िया है, बचा है अभी करते हैं लोकल गार्लिक को।
तो गैस ऑलरेडी मैंने मेरा खाना जो कंप्लीट कर दिया खा के। देखिए गैस मैंने ये राइस भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये थोड़ा सा बचा है, ये थोड़ा सा पीस बच गया है खाने के लिए। तो गैस आज का मेरा वीडियो जो इतना तक ही था। अगर आपको मेरा ये फिश बॉयल करी विथ बेम्बू शॉट का बॉयल अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा ये वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके और भी मैं ऐसे कुछ बॉयल का रेसिपी आप सबके साथ हम शेयर कर सके आप सबके साथ। तो गाइस आज का मेरा वीडियो इतना तक ही था, तो मिलते हैं आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।